Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। प्रो मींस बिफोर एंड कैरियो मींस न्यूक्लियस। इट मींस के प्रो का मतलब होगा बिफोर एंड कैरियोट्स क्या मतलब होगा न्यूक्लियस। और इस ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है किस किस में पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। उसके बाद अगर इसके सेल के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसके सेल का जो आउटरमोस्ट लेयर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। फिर इसके बाद दूसरी लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन का लेयर है। ये सेल मेम्ब्रेन कहलाता है और सेल मेम्ब्रेन में इस तरह की एक इन्वाइजिनेशन मौजूद होते हैं जिसको हम लोग इनफोल्डिंग भी कहते हैं। इनको मिजोसोम्स कहा जाता है। मिजोसोम का क्या काम होगा, ये सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हेल्प करता है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। और दूसरा इसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प देता है इस सेल को। और इसके दो और भी फंक्शंस है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की रेप्लिकेशन में मदद करता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। रेप्लिकेशन से क्या मुराद होगा, रेप्लिकेशन मींस मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। यानी जब भी डीएनए रिप्लिकेट होगा तो वो अपनी कॉपीज बनाएगा। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर साइटोप्लाज्म आ जाता है। साइटोप्लाज्म के बिल्कुल दरमियान में क्रोमोसोम का सर्कुलर, एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है जो डीएनए पर मुश्तमिल होता है। यानी ये जो सेल है इसमें कोई खास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है और इस वो एरिया साइटोप्लाज्म में जहाँ क्रोमोसोम पाया जाता है उसको न्यूक्लाइड कहा जाता है। फिर इसके बाद राइबोसोम्स है। राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S के होते हैं और ये राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनियस और किनली है और इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस करना है। एस क्या मुराद है, एस मींस स्विटबर्ग यूनिट। ये जो यूनिट है ये टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और ये जो स्विटबर्ग यूनिट है ये 10^-13 सेकेंड के इक्वल है। फिर इसके बाद अगर देखें इसमें सेल डिवीजन भी होता है। सेल डिवीजन किस तरह करेगा, ये रिप्रोडक्शन किस तरह करेगा, इसमें नो माइटोसिस और मियोसिस, कोई माइटोसिस और मियोसिस इसमें नहीं होता। ये रिप्रोडक्शन करता है मीडिया को बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सेल या बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए इसमें नो डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज, यानी प्रोकैरियोट्स में कोई भी डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते। डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। और इसमें मोस्टली सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज भी नहीं पाई जाती। कौन सी है वो ऑर्गेनेलीज, गॉल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी मिसाल है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। इसका जो दूसरा लेयर होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा और इसी तरह इसमें डबल मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का के बारे में डिटेल था। इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।